वेलकम गाइस टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के हम बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको बताना है मैंने कोर्स में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी आई फिगर्ड आउट के कुछ स्किल्स हैं जिनकी नो हाउ हमें होनी चाहिए ताकि हम कंटेंट राइटिंग, क्योंकि हम अब कंटेंट राइटिंग को फ्रीलांसिंग आपका पहला स्टेप है और आपका दूसरा स्टेप है फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग के बाद उसका अपना बिजनेस अपना जो है डेवलप करना, अपना कंटेंट लिखना और अपने ही जो है वो साइट्स पे शेयर करना। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। और इस नेक्स्ट स्टेप के लिए, और इनफैक्ट इस पहले स्टेप के लिए, फ्रीलांसिंग के स्टेप के लिए ही कुछ स्किल्स हैं जिसका आपको शुरू में उसका पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप आपको उसको आना चाहिए। तो वो तीन स्किल्स हैं जिसके बारे में जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है आपके लिए, और इस पर हम डिस्कशन करेंगे आज कि वो कौन से स्किल्स हैं जो कि आपको एज अ कंटेंट राइटर आपके पास होने चाहिए। तो नंबर वन जिस स्किल की मैं बात करूंगा, SEO ऑप्टिमाइजेशन जो है, इस पर मैं जितनी भी जो है वो बात करूँ वो कम है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका नाम है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। ये वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो एक वेबसाइट को रैंक किया जाता है, कॉन्टेंट को रैंक किया जाता है, फिर कॉन्टेंट गूगल के ऊपर आता है। उसकी एक पूरी एक साइंस है, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अलग से एक साइंस का नाम है जो कि इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको ये साइंस समझनी पड़ेगी। और रैंकिंग के बगैर आप जो है रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं हो सकता जब तक आपका रैंक ना हो, क्योंकि गूगल पे इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि यू विल बी अमेज्ड दैट यू विल बी आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे मतलब मेरा कंटेंट रैंक कैसे हो जाता है, आप तो घबरा। तो इसके लिए द थिंग दैट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड, द थिंग दैट यू रियली नीड टू लर्न इज SEO ऑप्टिमाइजेशन। SEO ऑप्टिमाइजेशन क्या करती है जी? आपकी साइट की ऑर्गेनिक डिस्कवरी। एक ऑर्गेनिक डिस्कवरी ये होती है कि एक बंदा आपकी साइट पे गया, उसने आपका इंटरनेट पे आपका आर्टिकल देखा और वो पढ़ने लगे, इसे कहते हैं ऑर्गेनिकली उसको फाइंड आउट करना। द नेक्स्ट थिंग इज SEO इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी। SEO जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है आपकी साइट पे, जो है वो बताता है कि जी इसने बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ली है और इसने जो टर्म्स यूज की हैं वो बड़ी जेन्युइन है और वेरी रेलिवेंट टू द कंटेंट है। SEO टारगेट्स तीसरा पॉइंट है कि SEO टारगेट्स द एंटायर मार्केटिंग फनल। SEO क्या करता है कि SEO जो है वो सारे जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस सब को टारगेट करता है। SEO ये नहीं होता है, अगर चेयर आपने इंटरनेट पे लिख दिया है ना, तो उस चेयर पे जितना भी कंटेंट होगा इंटरनेट पे, देखें चेयर्स मैंने यहाँ पे लिखा, इस पे जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट आएगा, देखें ये क्या कह रहा है, आई कांट इवन, आई थिंक दिस इज 2 बिलियन और समथिंग लाइक, आई डोंट इवन, आई थिंक दिस इज 20 मिलियन सर्च रिजल्ट्स, 20 मिलियन सर्च रिजल्ट्स हैं इस चीज पे। अब गूगल के पास 20 मिलियन सर्च रिजल्ट्स हैं, तो गूगल कैसे उस चीज के कुछ किस तरह उसको क्लासीफाई करेगा, उसे कहते हैं वो SEO के तहत करेगा। तो SEO आपको सीखनी चाहिए, उसको पूरा फनल करता है, देखिए इंटायर मार्केटिंग फनल, जहां पे जो कुछ बिक रहा है, जो लिखा गया है, जो मौजूद है, इट इज गोना फनल, इट इज गोना फाइंड आउट एवरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर हियर इन द कंटेंट। इसको SEO करता है। SEO रीचेज योर इंटायर टारगेट ऑडियंस। SEO हर बंदे तक पहुंचता है जिसको जो है वो आपका कंटेंट पहुंच सकता है और जिसको आप दिखाना चाहते हैं। तो इसकी रीच में भी जो है सब कुछ है, आपका आपका जो जो लिख रहा है और जो बना रहा है, दोनों को आपस में मिलाने वाली चीज SEO है। SEO ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस। SEO जो है वो यूजर के, यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? यूजर एक्सपीरियंस का ये मतलब होता है कि SEO क्या करता है, जैसे मैंने चेयर्स ही लिख दिया,
एक बंदे, लेट्स से मैं कोई क्वेरी डालता हूँ इंटरनेट पे, लेट्स से मैं लिखता हूँ, लेट मी जस्ट राइट कैंसर ट्रीटमेंट ही कर लेते हैं, राइट। कैंसर ट्रीटमेंट में इतने सारे रिजल्ट आते हैं। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि गूगल ये कोशिश करता है कि इस जो मैंने क्वेरी डाली है ना, अगर ये यहाँ पे सवाल हो, ये कैंसर ट्रीटमेंट भी है, गूगल ये कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर अवेलेबल, जो एक यूजर है इंटरनेट पे जो ढूंढ रहा है इन्फॉर्मेशन, उसको वो चीज दिखाए। इसलिए वो कुछ चीजों को ऊपर लाता है, कुछ को सेकंड पे लाता है, कुछ को थर्ड पे लाता है, कुछ को फोर्थ पे लाता जाता है, लाता जाता है, और इस तरह 10 तक और इससे भी आगे चीजों को पहुंचा देता है। वो इस तरह पहुंचाता है कि वो चाहता है कि यूजर जो ढूंढ रहा है ना, उसको वो मिले। अब ये ना हो कि यहाँ पे कोई कैंसर ट्रीटमेंट ढूंढ रहा हो, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना चाह रहा हो, और उसको जो है यहाँ पे स्टमक प्रॉब्लम या जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताए, तो इसके गूगल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीजों को वो दिखाए जो रेलिवेंट है। इस तरह इसलिए ये साइंस को जो है ना समझना, और आपने भी कोशिश वो करनी है कि यूजर को वही दिखाएं जो कि सर्च कर रहा है। तो वो कैसे पता चलता है, वो यहाँ से आपको कीवर्ड, आप कैसे पता चलेगा एज ए कंटेंट राइटर, आपको पता चलेगा कीवर्ड से ये यूजर क्या ढूंढ रहा है और गूगल इसको कैसे रिसर्च करा रहा है, और गूगल जो है वो एसईओ के तहत इसको यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, उसको रैंक करवा के चीजों को, राइट। तो ये था एसईओ। अब नेक्स्ट जो स्किल है ना वो है वर्डप्रेस का स्किल। वर्डप्रेस का स्किल, पहले मैं वर्डप्रेस का तारुक आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन पीएचपी एंड पेयर्ड विद माई एसक्यूएल और मारिया डीबी डेटाबेस। एक्चुअली क्या होता है, इसको आप डेफिनेशन को छोड़ें, आप मैं आपको वर्डप्रेस से दिखाई देता हूँ। वर्डप्रेस क्या होता है कि मैं फाइवर पे गया, लेट्स गो ऑन फाइवर डॉट कॉम एंड आई हैव रिटन समथिंग हियर, राइट। यहां पर लिखता हूं मैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस लिखा मैंने, ये देखें ये सारे लोग क्या बेच रहे हैं, साइट्स बना, देखिए आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। ये सारी जो साइट्स है ना, अब जैसे कोई भी साइट निकाल लेते हैं, चेयर्स ये लिख लेते हैं, ये देखें, ये साइट का नाम है अर्बन गैलरिया डॉट कॉम। ये साइट किसी बंदे ने, वर्डप्रेस डेवलपर ने बनाई है। ये इंटरव्यू डॉट पी के दूसरी भी APA, अपना फर्नीचर डॉट कॉम, दराज, चेयर डॉट कॉम डॉट पी के, बॉस पाकिस्तान, OLX.com, ये सारी साइट कौन बनाता है, इसे वर्डप्रेस डेवलपर बनाता है। तो वर्डप्रेस सीखने से क्या होगा, या वर्डप्रेस के बारे में नो हाउ डेवलप करने से क्या होगा, क्योंकि आपका अगला स्टेप है कंटेंट राइटिंग के बाद अपना खुद का कंटेंट यहाँ पे लेके आना, खुद को गूगल पे लेके आना। तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको पता होना चाहिए, वर्डप्रेस कैसे काम करती है और वर्डप्रेस के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हाउ वर्डप्रेस हेल्प्स अ कंटेंट राइटर, यू कैन क्रिएट एंड मैनेज योर ओन साइट यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, एंड शोकेस योर टैलेंट टू द क्लाइंट। आप अपनी फ्री की बस, आप कुछ भी ना, अगर वर्डप्रेस ना भी सीखना चाहें, हालांकि बहुत आसान है और इट्स सुपर फन, वी आर गोना क्रिएट, होपफुली वी आर गोना क्रिएट अ फ्री कोर्स ऑन वर्डप्रेस एंड हाउ टू डेवलप अ वर्डप्रेस साइट फॉर यू गाइस वेरी सून। तो इट्स वेरी फन, खास तौर पे फॉर समवन हु लाइक टू रियली डिजाइन, के खास तौर पे वो लोग जो कि बड़े इस हवाले से क्यूरियस होते हैं कि जी अब जैसे मैं फाइवर पे गया हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये इस तरह टैब्स क्यों बने हुए हैं, क्या मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता था, या मैं इसको जो मेन्यूज बने हुए हैं क्या मैं इनको यहाँ पे लेके आ सकता था, ये कैसे डिजाइन किया है। कुछ लोग होते हैं इस पे, तो उसके लिए भी वर्डप्रेस जो है वो वर्डप्रेस का स्किल आपको आना चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं करते तो आप अपने फ्री की पोर्टफोलियो वेबसाइट तो कम से कम बना सकते हैं। एंड इन दिस कोर्स आई एम गोना इंक्लूड अ वीडियो इन विच यू आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट और अ फ्री वेबसाइट अ फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर योर कॉन्टेंट राइटिंग जॉब, राइट। नेक्स्ट स्किल जिसकी हम बात करें वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑन द इंटरनेट एंड दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है बिकॉज आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाई है इंटरनेट पे, यू हैव टू सम हाउ सेल इट, एंड हाउ यू गोना सेल इट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग एज द नेम इट सेल्फ डिलिनिएट्स, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट पे कोई भी जो जो चीज मौजूद है
वो किस तरह बिक रही है उसकी साइंस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेस इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब कि इंटरनेट पर जो भी चीजें मौजूद हैं टेक्नोलॉजी सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन एंड अदर डिजिटल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये इंटरनेट को यूज करते हुए जो आप चीजें बेचेंगे ना वो सारे डिजिटल मार्केटिंग में आती है। आप यूट्यूब पे गए, यहाँ पे कोई ऐड आ गई, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड नहीं आ रही, नहीं यहाँ पे नहीं आ रही, किसी साइट को ओपन करके देखते हैं। अब एड्स पे, एड्स तो आप लोग इतनी देखते हैं कि आई कांट रियली इवन, मैं तो लाइक ओलेक्स ओपन करते हैं, लेट्स ओपन दिस साइट, इट्स अ रैंडम साइट फॉर यू गाइस, सो लेट्स ओपन दिस वन। सो अब ये देखें ना, ये यहाँ पे ये साइट के अंदर भी एड्स हैं। ये एड्स क्या होती है, एड्स असल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जिस ये देखिए एड्स लगी हुई है, ये मैं एक साइट पे गया, ये साइट जो है ये पुरानी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती है, ये साइट जो है ये बहुत एक्सक्लूसिव है तो उन्होंने कोई एड नहीं लगाई हुई। लेकिन ये देखे ना, अब ये इसके अंदर जो प्रोडक्ट बेच रही है ये इंटरनेट पे ये प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, और ये कैसे बिक रही है, दीज आर दे आर सेलिंग इट थ्रू दिस, ये जो बिक रही हैं ये बिक रही हैं इसकी वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। इसकी पूरी साइंस है, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ मैं इसके हवाले से अब बात करूँगा कि एज ए कॉन्टेंट राइटर वट आर द थिंग्स डैट यू आर यू शुड बी लर्निंग एज एज इन द डिजिटल मार्केटिंग, और उस स्किल्स के बारे में बात करूँगा। सो जैसे कि ईमेल मार्केटिंग है ना, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग मैं आपको बताता हूँ। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है कि जो आपको ईमेल आती है ना, मैं अपनी ईमेल दिखाऊंगा आपको, लेट्स पॉज द रिकॉर्डिंग एंड लेट मी शो यू योर ईमेल फर्स्ट, माय ईमेल फर्स्ट। सो आई वेंट ऑन द इंटरनेट एंड आई ओपन्ड माय ओन जीमेल, और ये देख सकते हैं, ये देखें ये सारी एड, ये देखें ये दो तो एड्स लगी हुई है ना, ये इसको मैं क्लिक करूं जरा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कतर एयरवेज को कहीं से मेरी ईमेल मिल गई है, इन्होंने ये देखें मुझे एड्स बेच रहे हैं, राइट, ये सारी। और ये देखें गूगल एड्स मुझे बेच रहा है, आई डोंट नो व्हाट, पुट योर प्रोडक्ट्स एट योर कंज्यूमर फिंगर टिप्स, देखिए कह रहा है कि आप अपनी एड लगाएं इंटरनेट पे और आप जो चीज़ों को बेचें, राइट। कोर्स कैजुअल की मुझे आई है हेडलाइन एनालाइजर की, ये भी कुछ इन अपडेट्स मुझे दे रहे हैं। ये मुझे इनको मेरी ईमेल कैसे मिली, इनको तो यहाँ पे तो शायद मैंने साइन अप किया था तो इसलिए मुझे मिली है। ये देखिए कैनवा मुझे बेच रहा है, जब मैं इनकी साइट्स पर साइन अप करता हूँ ना तो ये क्या करते हैं, ये मेरी ईमेल ले लेते हैं और फिर कोई भी अपडेट होती है मुझे ये ईमेल करते रहते हैं, तो फिर मुझे जो है ये मेरे लिए सरदर्द हो जाता है। सो आई हैव टू म्यूट और स्पैम और अनसब्सक्राइब देम, ताकि थोड़ा सा जो है वो ईमेल्स का रिसीव हो। तो ये देखें, ये सारी ये सोल ईमेल मार्केटिंग है, जो मुझे ईमेल भेज रहे हैं ना, ये सारी ईमेल मार्केटिंग में आती है, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग जो है ना, ये आपको सीखनी चाहिए। अब एज अ कॉन्टेंट राइटर आपको ईमेल मार्केटिंग क्यों आनी चाहिए, वो इसलिए आनी चाहिए। अब जैसे कि आपने एक साइट बनाई, आपके पास लेट्स से मीडियम पे, मैं मीडियम खोलता हूँ, आई वेंट ऑन द मीडियम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट इट जस्ट ओपन, यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं रीडिंग, वो मुझे फॉलो करते हैं। एक तो साइट खुल जाए पहले, ओके खुल गई। तो ये मुझे कुछ लोग, लेट्स से यहाँ पे मेरी एक ईमेल है और लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वो मुझे फॉलो करते हैं, अब लेट्स से मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं जो है वो फ्राइडे को या थर्सडे को या जुमेरात को अपना ब्लॉग लिखूंगा, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पे उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये डिसाइड किया कि थर्सडे को मैं मेल लिखूंगा, थर्सडे को मैं ब्लॉग लिखूंगा, उनको कैसे पता चलेगा। उनको पता चलेगा जब मैं उनको मेल करूंगा और मैं उनको ईमेल करूंगा कि जी मैंने ये ब्लॉग लिखा है और इस ब्लॉग में ये बातें हुई हैं, उसको एडवर्टाइज करूंगा कॉपी राइटिंग के थ्रू, ठीक है, और मैं उनको भेजूंगा यहाँ पे मैं मेरा ब्लॉग आएगा सोशल में या प्राइमरी में जिसमें भी मैंने रखा होगा, मुझे वो आएगा, मैं उसे क्लिक करूंगा और मैं ब्लॉग पढ़ लूंगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट।
तो ये तो होता है ना, जो वो तरीका जिनको आप वाकई फॉलो करते हैं तो उनको आप जो है वो उनकी मेल्स पढ़ते हैं, ये तो उन लोगों के लिए। और वैसे जो ये लोग आए हुए हैं ये सारी, ये अपनी प्रमोशन के चक्कर में आए हुए हैं, तो ये लेकिन आपको स्किल आपको आना चाहिए, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आपका रिटर्न जो है ना, आपका कन्वर्जन जो है वो मार्केटिंग से ही होती है। तो मार्केटिंग स्किल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर ईमेल मार्केटिंग तो आप सीखे ना लास्ट में। हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प राइटर्स, यू कैन क्रिएट अ मार्केटिंग अप्रोच टू गेट योर क्लाइंट्स इन्फॉर्म अबाउट योर पोस्ट, आपके पोस्ट के बारे में बताएं। बिल्कुल, हमने यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखना है, मैं यहाँ पे लोगों को मेल करूंगा कि जी उनको यहाँ पे कंपोज करके, मेल चिम्प एक होती है वेबसाइट, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा लाजमी, तो उस पर आप जाएं, वहाँ पे अपना उनके कॉन्टेक्ट डालें, उनको मेल करें, उनको मेल आ जाएगी, वो यहाँ पे आएंगे, आपका आर्टिकल पढ़ लें, आपका काम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कैन जनरेट ऑनलाइन ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो एक अलहदा मार्केटिंग की टाइप है, ठीक है। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे मैं जरा राइट ये देखें, लेट मी चेंज द करेंसी फॉर यू गाइस, अगर आप कहते हैं तो मैं डॉलर रहने देता हूँ या पीकेआर में, ठीक है, लेकिन पीकेआर में फिर कुछ लोगों को समझ आएगी, अब डॉलर्स में सबको समझ आ जाती है। अच्छा एनीवेज, तो ये देखें आप, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, ये मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये देखें $90 में अपनी बेच रहा है गिग, ठीक है। आई विल बी योर सर्विसेज बेच रहा है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। ये देखें, ये जो इंटरनेट पे आप देखते हैं ना, ये जो लोगों ने पोस्ट किए होते हैं, ये सेलिब्रिटीज होते हैं, ये वैसे लोग ब्रांड्स बनाते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी ब्रांड बनी हुई, ये उसको बनाने में और उसको चलाने में जो काम सारा होता है ना वो ये सोशल मीडिया मैनेजर्स का होता है। तो सोशल मीडिया मैनेजर जो है ना, ये भी एक स्किल है पूरी, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लेट्स से अगर आपका कोई पेज बना देते हैं कि जी मैं सेल करता हूँ, या मैं लिखता हूँ किसी चीज के बारे में, लिख लें आप किसी लाइफस्टाइल के बारे में लिखता हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक पे गया मैंने एक, या इंस्टाग्राम पे मैं गया, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे गया और मैंने अपना एक पेज बना लिया, ठीक है, और वो पेज बना के मैं लोगों को जो है वो सेल करने लग गया, पेज बनाया, अब पेज पे मैं लोगों को बताने लग गया जी मैं ये कंटेंट लिखता हूँ, मैं लाइफस्टाइल पे लिखता हूँ, उसके पेज के अंदर ना फॉलोअर्स हैं ना उसके अंदर फॉलोइंग है, सिर्फ पोस्ट है। तो वहां पे एक सोशल मीडिया मैनेजर क्या करेगा, वहां पे उसको प्रमोट करवाएगा, उसको एड लगाएंगे, फ्री तरीके भी, ऑर्गेनिक भी होते हैं, पेड तरीके भी होते हैं, आप दोनों यूज करें जैसे आपका बजट बजट इजाजत देता है, तो उस तरीके से आप उसको जो है वो बेचें, ठीक है, पेज को प्रमोट कराएं। एक दफा उस पे लेट से 50,000 या 60,000 लोग ने उसको फॉलो कर लिया, उसके बाद जब वो लोग, जहरी बात है फॉलोअर्स होते हैं वो आपकी पोस्ट देखते भी हैं, जब वो देखेंगे उन्हें कोई चीज इंटरेस्टिंग लगेगी वो आपकी सीधा साइट पे आ जाएंगे, तो वहां से ट्रैफिक लेके आना ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको पूरा बता दिया, और बहुत सारी चीजें मार्केटिंग में है ना, मार्केटिंग इज लाइक इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू थिंक ऑफ इट एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मेक योर रीडर अप टू डेट, अप टू डेट जाहिर बात है ईमेल मार्केटिंग से आप उसको अपडेटेड, सोशल मीडिया पे भी आप अपनी पोस्ट लगा के उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेलिवेंट स्किल टू कंटेंट राइटिंग, और ये स्किल्स आपको आने चाहिए, और आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ भी आएं, आप कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करें, और जब वक्त मिले तो थोड़ा सा इसकी तरफ भी अपना जो है वो कुछ वक्त देना स्टार्ट करें। इट विल टेक सम टाइम, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू आउट परफॉर्म अदर्स, इफ यू वॉन्ट टू अचीव एक्सेलेंस, इफ यू हैव रियली डिसाइडेड टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स, अगर आपने हाई स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं ना कॉन्टेंट राइटिंग में, देन यू हैव टू रियली गेट दीज स्किल्स। फिर आपको SEO तो आनी चाहिए, और आपको डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों तो आपको लाजमी है। वर्डप्रेस पे चले मैं कहता हूँ कि गुजारा आपका हो जाएगा, लेकिन फ्री वेबसाइट आप फिर भी अपनी बनवाएं, ठीक है। तो ये दो चीजें आप अपने स्किल जो है फ्री को, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री, हम यहाँ पे भी आपके लिए बनाएंगे इन द फ्यूचर। सो स्किल सीखें, और इसकी तरफ भी थोड़ा सा अपना जो है वो अभी इसको समझें कि वाकई क्या कितनी अहमियत है, और ये इट इज इनएविटेबल,
द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO इज इनएविटेबल इफ यू रियली वॉन्ट टू सेल समथिंग ऑन द इंटरनेट यू हैव टू रियली गेट दीज टू स्किल्स. तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेज लेक्चर एंड दिस लेक्चर आई होप यू गाइज मस्ट हैव इंजॉयड दिस लेक्चर अलॉट. और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर.